There's a speed breaker right here. Okay. So finally, I've got my hands on this two-wheeler, जो green है. Green मतलब it is electric, Ather Energy. I think everyone is talking about it. It is slightly overpriced, but काफी अच्छी है. मतलब इसमें एक ऐसी चीज है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो मतलब आपको काफी विचित्र लगेगी, काफी यूनिक लगेगी. एंड आई जस्ट ट्राई टू शो दैट टू यू. एंड इनिशियली मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्यों है. सो अभी जस्ट वॉच दिस. ओके, सो दिस इज नॉट अ रिवर्स वीडियो, इट्स द रिवर्स मोड ऑफ अ टू व्हीलर. ये एक रिवर्स मोड है टू व्हीलर का. एंड पता नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल. इसमें टाइम पता चल जाता है, इसके ऐप में आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी आपकी कहाँ पे है. इसमें आप यू कैन सी द एंटायर प्रोफाइल ऑफ योर्स एंड एवरीथिंग इज विजिबल राइट हियर. आप ये देख सकते हो कि आपकी करंट राइड में कितने किलोमीटर्स हो गए जब से आपने ऑन किया है, व्हाट हैज योर एवरेज स्पीड बीन. एंड इट्स अ वेरी स्मार्ट सिस्टम. पार्क असिस्ट वो ये होता है कि अगर जैसे अगर आपको रिवर्स लेना है और अगर आपके आसपास बहुत सारे व्हीकल्स हो तो आप ऐसे रिवर्स कर सकते हो. लाइक हाँ देखो, इसमें रिवर्स हो जाता है. उसके अलावा इफ यू लुक एट दिस, इट हैज अ लॉट ऑफ मोड्स. पहले तो जितनी बैटरी है उसके हिसाब से कितना रेंज है, कितना चल पाएगा. एंड इको मोड में आपका फ्यूल इज द बैटरी, बैटरी लाइफ आपकी बचेगी. इसमें ऑब्वियसली टॉप स्पीड कम होगी. देन देयर इज अ राइड मोड जिसमें आप कंफर्टेबली सिटी में राइड कर सकते हो. यू विल नॉट नीड वेरी हाई स्पीड्स एंड दिस विल कंजर्व एनर्जी. एंड स्पोर्ट्स मोड इज जहाँ पे ऑब्वियसली यू विल नॉट कंजर्व एनर्जी. देखो आपने देखा रेंज कम हो गई. एंड देन देयर इज अ वॉर्प मोड. वॉर्प मोड इज जिसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रेंज कम हो जाती है, बिकॉज दिस इज लाइक अ क्रेजी मोड. इंस्टेंट इसमें एक्सेल, ये बिल्कुल रोलर कोस्टर टाइप फीलिंग आती है. इंस्टेंट लेट मी शो दिस टू यू, है ना. So now we will try the warp mode. Warp mode is the sports plus mode. The mode where you will actually feel an impulse. मतलब जैसे मैं इसको start करूँगा तो आपको impulse feel होगा. Now just imagine कि मैं इसको full accelerate कर दूँगा. देखते हैं 0 से 100 भी बहुत जल्दी पहुँच जाती है. Let's see this happening real time. So 3, 2, 1 and go. बहुत फास्ट था ना. हाँ, ये वॉर्प मोड है इसका, इसमें स्पोर्ट्स मोड है. या एथर. सो नेक्स्ट वॉर्प बैक. ओ क्रेजी. 60 पे ये रेड हो जाता है, बोलता है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. एंड इट्स सुपर फन. इट इज सुपर फन. सबसे बढ़िया बात यह है कि आवाज काफी कम करती है, तो इट्स लाइक अ वेरी स्मूथ राइड. आई लव इट ऑलरेडी. मुझे काफी पसंद आ गई है. बट वैसे मैं टू व्हीलर सजेस्ट नहीं करता हूँ. इट्स ऑलवेज बेस्ट टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच आर फोर व्हीलर्स, बिकॉज यहाँ की रोड इतनी सरप्राइजिंग है. मतलब दे आर एक्सट्रीमली गुड. दे हैव जैसे साफ सिटी होता है ना, तो यार यहाँ पे भी रोड फिर गड्ढा, रोड फिर गड्ढा, ऐसा होता है ना. तो है ना, लाइक जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, है ना. तो ये वही वाली फीलिंग है. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. एक और चीज जो सारे एवीज या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कॉमन है, दे हैव अ वेरी स्टैंडर्ड पोर्ट फॉर चार्जिंग. कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मतलब ये ऐसा ही कोई पोर्ट मिलेगा फॉर ऑल द व्हीकल्स. तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज है. एक और बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर इस बाइक में यह है कि इट डजंट हैव अ सेंटर स्टैंड, क्योंकि आपको किक नहीं मारने की जरूरत है. दूसरा, इसका जो ये वाला स्टैंड है ना, ये बहुत ही इजीली, मतलब इट्स सो लाइट, आई कैन टेल यू हाउ लाइट इट इज. तो इसके मल्टीपल एक्सेस है. लुक एट दिस, ये भी काफी अच्छा होके इट ऑलवेज मतलब हमेशा खुला रहेगा, ऐसा नहीं, मतलब आपके यूज के हिसाब से है. दूसरी चीज, इंडिकेटर्स की बात करें, अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जैसे लेफ्ट इंडिकेटर दिया, कभी कभी हमारा इंडिकेटर ऑन रह जाता है. बट यहाँ पे क्या है कि ये टू 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 साउंड करता रहेगा, सो दैट यू आर श्योर कि आपका इंडिकेटर तभी ऑन है जब आप टर्न ले रहे हो, उसके बाद आप इसको ऑफ कर दोगे. तो ये काफी सही फीचर है. और ऑब्वियसली बात है कि जब स्टैंड ऑन होता है तो यहाँ पे लिखा जाता है कि स्टैंड ऑन है, योर मोटर विल नॉट बी स्विच्ड ऑन. ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे काफी अच्छी लगी.
द थिंग इज कि इलेक्ट्रिक के साथ साथ इसको सुपर कूल भी दिखाना बहुत जरूरी है कि सब लोग इसको खरीदें, क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं. एंड टू बी ऑनेस्ट, इससे ज़्यादा स्मूथ राइड मैंने आज तक किसी भी टू व्हीलर पे नहीं ली है. इतनी स्मूथ राइड, बिकॉज ऑब्वियसली इंजन का वाइब्रेशन है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है. मतलब आपको पता भी नहीं है, बट द मोटर इज ऑन. इसकी मोटर ऑन है, आप देखो अभी मैंने इसको चला भी लिया, इसकी मोटर ऑन थी, आवाज़ ही नहीं आ रही है. एंड दैट इज वाई द राइड इज ऑल्सो वेरी स्मूथ. ऐसा नहीं कि आप ऐसे 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 आगे जा रहे हैं. तो इंटरेस्टिंग तो है, देख सकते हो कि कितना चार्ज है और आपका व्हीकल कहाँ पे है एग्जैक्टली. ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं. एंड इसमें आई थिंक वो SOS कॉलिंग भी है, विच इज़ वेरी गुड. ठीक है, तो सो दैट वॉज अबाउट इट. मेरा एक्सपीरियंस एथर के साथ बहुत ही क्या बोलूँ मैं, बहुत ही स्टेलर था, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था. क्योंकि एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स कार की कार में ही मोड्स आते हैं, और पहली बार टू व्हीलर में मैंने मोड्स देखे हैं. दैट इज दैट टू इन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल. Thank you.